नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत अपन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सदृश्य सामग्री का उपयोग उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। उसमें अपन शामपट के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, मानचित्र के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, एटलस चार्ट ब्लॉक और डायग्राम इसके भी अपन अध्ययन कर चुके हैं। फिर आता है अपना चित्र, इसके अंतर्गत जो कि जो इसमें प्राकृतिक स्थलाकृति आदि के बारे में जो शिक्षार्थी को विधिवत समझाया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि कक्षा के जो आकार, विषय वस्तु एवं शिक्षार्थियों की जो आयु के अनुसार बनाया गया या नहीं, और अध्यापक की जो चित्र का जो विषय वस्तु में जो प्रयोग करना आना चाहिए। फिर आता है अपना इसके अंतर्गत रेखा चित्र, इसके अंतर्गत जो बताया गया है कि जो रेखा चित्र अध्यापक की जो शिक्षण कार्य में बहुत उपयोगी है, तथा अध्यापक जो विषय सामग्री के अनुसार शामपट पर रेखा चित्र बनाकर अपना कार्य आसानी से कर सकता है। फिर आता है नमूना, इसके अंतर्गत जो बताया गया है जो नमूने में भी शिक्षण भी बहुत सहायक होते हैं, और नमूना की जो सहायता से शिक्षार्थी वास्तविक वस्तु से शीघ्र परिचित हो जाते हैं। फिर इसके साथ आता है अपना मॉडल, मॉडल को भी उपयोग शिक्षण सामग्री का संकलित किया जाता है। विश्व में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका आंखों से देखना तो श्रमसाध्य होता है, या खर्चीला अथवा अन्य कोई कठिनाई आ जाती है, अतः ऐसे स्थान या अन्य निर्माण कार्य के आदि को मॉडल के द्वारा प्रदर्शित कर शिक्षार्थी को वास्तविक स्थिति में अवगत कराया जा सकता है। फिर आता है भित्ति चित्र, इसमें जो बताया गया है भित्ति चित्र के अंतर्गत जो भित्ति मानचित्रों का भी सामाजिक विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके की सहायता से विभिन्न प्रकार की जो विषय सामग्री को पढ़ाने में सहायता मिलती है। फिर आता है बुलेटिन बोर्ड, इसमें जो बुलेटिन बोर्ड कक्ष से बाहर की तरफ लगाए गए उस बोर्ड को कहते हैं, जिस पर शिक्षक के सभी संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्री को प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे संबंधित चित्र, मानचित्र, कार्टून, पोस्टर, लेख और सर्वेक्षण संबंधित सामग्री एवं अन्य सचनात्मक क्रियाकलापों को दर्शाया जाता है। फिर आता है अपने इसी के साथ में प्लैंक बोर्ड, इसमें जो लकड़ी या प्लाईवुड का जो तना जो ऐसा बोर्ड होता है जिस पर प्लेन लगा रहता है, और प्लेन एक प्रकार का कपड़ा ही होता है जिसमें ऊन के जो रेशो होने से कुदरत प्राण आ जाता है, तथा उस पर दूसरा टुकड़ा चिपक जाता है, और इसके ऊपरी भाग का पर चित्र जो पोस्टर रेखा चित्र भूगोल के जो विभिन्न सिद्धांत पूर्णवर्ती सामग्री आदि को लगाकर कक्षा में आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाया जाता है। फिर इसी के साथ में अपना आता है ग्राफ, ग्राफ के अंतर्गत जो बताया गया है इसके अंतर्गत जो भूगोल में ग्राफ का जो प्रयोग बहुत ही मुख्य जलवायु आदि आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और इसमें वैश्विक जनसंख्या संबंधी आंकड़ों एवं अन्य आंकड़ों को भी आसानी से दिखाया जा सकता है, जैसे कि भूगोल इसमें जो साधारण लाइन, मिश्रित लाइन, इग्रोग्राफ, हिडोग्राफ और इसके अंतर्गत जो है क्लाइमोग्राफ जो जिसमें भी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फिर इसमें आता है अपना टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर के अंतर्गत जो बताया गया है यह एक उपयोगी श्रव्य सामग्री है, और इसमें यंत्र कोई भी व्याख्यान, वार्तालाप या अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली आदि को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फिर आता है अपना रेडियो, इसमें जो रेडियो के केवल जो मनोरंजन की जो साधन नहीं है बल्कि शिक्षा प्राप्ति का ही भी एक महत्वपूर्ण साधन है। सामान्य प्रसारण या विशेष शैक्षिक प्रसारण दो भाग इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर
बहुत इसमें भी प्रसाधन उपयोग करने में जो सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक, फिर नेक्स्ट सप्ताह जो आता है टेलीविजन, इसमें जो टेलीविजन के अंतर्गत बताया गया है, जो टेलीविजन भी रेडियो जैसे ही यंत्र है, जिसमें केवल इतना अंतर है कि कार्यक्रम सुनने के साथ दिखाई भी देता है। फिर इसी के अंतर्गत कंप्यूटर आता है, इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर की स्थिति की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जगह जगह पर कंप्यूटर का बहुत ही उपयोग किया जाता है और आज के युग में बहुत ही विख्यात है। और इसके अंतर्गत जो विकसित राष्ट्रों में शिक्षा के क्षेत्र में और इसका प्रयोग पर्याप्त संख्या में होने लगा है, और परंतु भारतीय विद्यालय अथवा सामाजिक अध्ययन कार्यों को भी बहुत से है, क्योंकि भारत में लगाया इसमें जो क्योंकि जो आज के युग में कंप्यूटर का बहुत ही उपयोगी है, और जितने भी जो भी काम हो रहे जो टेक्नोलॉजी और नवीन तकनीक के हिसाब से इसका प्रयोग किया जा रहा है। फिर इसी के अंतर्गत इंटरनेट आता है, इंटरनेट के अंतर्गत जो भी भारत में जो इंटरनेट सुविधा की जो शुरुआत लगभग 15 अगस्त 1995 में हुई और बस 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ साथ भारत की जो सूचना के राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसके अंतर्गत इंटरनेट का आपको पता ही कि बहुत ही इसका भी उपयोग है और आज के तकनीकी माध्यम की सबसे सारा काम इंटरनेट के माध्यम से होता है। जो भी मोबाइल ले लो या फिर कंप्यूटर ले लो, हर एक काम जितना भी है वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। इसके अंतर्गत जो सूचना शिक्षा विज्ञान राजनीति व्यापार से लेकर खेलकूद चिकित्सा से परामर्श एवं नौकरी की खोज तक विस्तृत है। फिर आता है अपना चलचित्र, इसके अंतर्गत और भी है जो ईमेल करना है, ई कॉमर्स करना है। फिर आता है अपना चलचित्र, चलचित्र के अंतर्गत जो बताया गया है, चलचित्र में जो आवश्यकता अनुसार पर्दे पर जो फिल्मों को दिखाया जा सकता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विकास क्रम संबंधी सिद्धांत, आर्थिक एवं प्राकृतिक भूगोल संबंधी विषय सामग्री का ज्ञान और अधिक अच्छी प्रकार से कराया जा सकता है। ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वार भाटा, लहरें, धाराएं, पशु पक्षी आदि का ज्ञान दिया जा सकता है। फिर आता है अपना इसी के साथ में वीडियो, वीडियो के अंतर्गत जो बताया गया है, इसमें वीडियो एक इस प्रकार का अपेक्षाकृत और दृश्य सक्त साधन है, क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ कहीं पर भी किया जा सकता है। और टेलीविजन से वीडियो कैसेट रिकॉर्डर एवं वीडियो कैसेट प्लेयर आदि में इसका उपयोग किया जाता है, और आज के युग में तो मोबाइल के अंतर्गत भी वीडियो का यूज किया जाता है, कहीं पर भी किसी भी जगह इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में अपना जो लास्ट आता है, अपना जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में जो सर्वदर्शी सामग्री का जो उपयोग है, उसमें जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, जो उपकरणों से है और जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की सामग्री का को पर्दे पर बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। स्लाइड, फिल्म, स्ट्रीम प्रोजेक्ट एंड मैजिक लेंटर और भी इसके जो बहुत तरह के जो एमएस जो कंप्यूटर के माध्यम से जो प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं और अलग तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, उसको सम्मिलित किया जाता है और सामाजिक विज्ञान शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसी के साथ में भारत में जो भारतीय विद्यालयों के सब्जेक्ट विज्ञान कक्षों में इनका अभाव है। ठीक है, और सामाजिक शिक्षण में जो इन सभी का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जाता है। फिर इसी के साथ जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वदर्शी सामग्री का जो उपयोग है, सभी के बारे में चार के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।